की बैर शरण तिहारी लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं की बैर शरण तिहारी लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर पटना में हैं, जहाँ आज उनकी आखिरी हनुमंत कथा होनी है और आज वो अपने धाम बागेश्वर धाम वापस लौट जाएंगे। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोग 13 मई से लगातार बेताब हैं उन्हें सुनने के लिए। उनके पास अर्जी लगाने के लिए लोग होटल से लेकर नौबतपुर जहां हनुमंत कथा हो रही है वहां तक भटक रहे हैं। सुबह से लाखों की संख्या में भीड़ का जुटान होता है, जहां लोग बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए उनका इंतज़ार करते हैं। एक तरफ जहां पूरा बिहार भक्तिमय हुआ पड़ा है बाबा बागेश्वर के स्वागत और उनकी भक्ति में लीन है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात बिहार की सियासत की जाए तो बीजेपी जहां बाबा बागेश्वर का स्वागत करने में लगी हुई है, उनकी आरती उतारने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी लगातार बाबा बागेश्वर पर हमलावर रही है। बाबा बागेश्वर के आने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने डीएसएस तक का गठन कर दिया था। 15 लड़कों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी ताकि पटना एयरपोर्ट पर ही बाबा बागेश्वर को रोका जा सके। यहां तक कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यहां तक कह दिया था कि आजकल तो हर कोई बाबा बन जाता है। आरजेडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, विरोध देखने को मिला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज हम आपको एक इसके बिल्कुल ही विपरीत तस्वीर दिखाएंगे, जहां बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगाने आरजेडी के विधायिका और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पहुंची है, जहां वो अपने पति यानी कि बाहुबली नेता अनंत सिंह की रिहाई को लेकर बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंची है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अक्षरा सिंह ने अपनी अर्जी लगाई है, वो बाबा बागेश्वर के सामने मौजूद है। अक्षरा सिंह जहां एक तरफ भक्ति गीत गाकर बाबा बागेश्वर के सामने अपनी अर्जी लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक अक्षरा सिंह के पीछे नीलम देवी बैठी हुई है, जो बाबा बागेश्वर से मिलने, उनकी झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने उनके समक्ष मौजूद है। ये साफ दिखाता है कि सियासत से परे लोगों की भक्ति, लोगों की आस्था बाबा बागेश्वर में कितनी ज़्यादा है और लोग बाबा बागेश्वर की भक्ति में कितनी लीन है वो साफ नज़र आ रहा है। नीलम देवी अर्जी लगाने वहां पहुंची है, सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं शरण तिहारी बस तू मुझको। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक तरफ जहां आरजेडी बाबा बागेश्वर के खिलाफ कई तरह के विवादित बयान दे रही है, टिप्पणियां कर रही है, यहां तक कि बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा के आयोजक तेजस्वी यादव को न्योता देने राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां लालू यादव को न्योता दिया गया, सीएम नीतीश को न्योता दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जाने से इनकार कर दिया। तेज प्रताप यादव लगातार अपने बयानों से बाबा बागेश्वर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आरजेडी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उसी पार्टी के विधायक बाबा बागेश्वर के पास अर्जी लगाने पहुंची है, जहां अनंत सिंह बीते कई वक्त से जेल में बंद है, उन पर मुकदमा चल रहा है, उनकी विधायकी छिन जा चुकी है, जिसके बदले नीलम देवी को जीत मिली उपचुनाव हुए मोकामा में, और आज वो अपने पति की रिहाई को लेकर, अपनी पति की सलामती को लेकर, बिहार की जनता की सलामती को लेकर बाबा बागेश्वर के समक्ष पहुंची है। ये उनकी भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण साफ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।